अलवर में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा एमए प्रीवियस की परीक्षाएं अचानक स्थगित कर देने से छात्र आक्रोशित हो गए और यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने वीसी पर अभद्रता के आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि टाइम टेबल आने के बाद अचानक परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। इससे छात्रों का समय बर्बाद होता है, छात्र आगे की तैयारी नहीं कर पाते और अगर तैयारी नहीं थी तो टाइम टेबल भी नहीं देना चाहिए था। छात्रों ने पिछली बार हुए पेपर लीक की जाँच की भी मांग की। यूनिवर्सिटी कुलपति मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी कुलपति मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो। हमारी अभी ये छात्र इतने यहाँ एकत्र हुए हैं और यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में महज 12 घंटा पहले एमए की 3 पेपर रद्द किए गए हैं, हिंदी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और यूनिवर्सिटी के पास यहाँ छात्र आए हैं, वीसी के पास आए, वीसी की गाड़ी के पास गए तो वीसी छात्रों को धक्का मुक्की देकर उनके गार्डों से गेट बंद करा दिया और अंदर ताला लगवा दिया। बात करने को राजी नहीं है, छात्रों को कोई जवाबदेही नहीं दे रहा और ना ही आज तक जितने भी छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी से पेपर रद्द हुए हैं, उनका आज तक वीसी ने किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। वीसी की प्रशासन के साथ मिली भगत है, ये सब यहाँ से पेपरों को बेचते हैं और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं करते। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है आए दिन पेपर रद्द कर रहा है, साल भर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मात्र 12 घंटे पहले ही पेपर निरस्त कर दिया गया। ऐसे में बच्चे कहाँ जाएं, सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर है छात्र। अभी जो बड़े बड़े होटलों में मीटिंग हो रही है, छात्रों से जवाब देने से वीसी साहब यहाँ से धक्का मुक्की करके गए, सवाल जवाब करने से बचकर भाग के गए हैं अंदर, जबकि छात्रों को जवाब देना चाहिए कि क्यों पेपर निरस्त करे हैं। आखिर उनकी गलती क्या थी जो आपने महज 12 घंटे पहले ही पेपर निरस्त कर दिए। ऐसे में छात्र मजबूरन आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्या अब इस मत्स्य अनुष्ठि का भविष्य क्या हो गया? सरेआम भ्रष्टाचारी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ 1,00,000 बच्चों का भविष्य बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है। यहाँ के छात्र चाहते हैं कि यहाँ जांच कमेटी बैठाई जाए, जो पिछले साल भी पेपर निरस्त वो लीक हुए थे उन प्रकरण की अभी तक कोई जांच नहीं हुई, और जबकि अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई एमए प्रवेश की 3 विषयों की। ऐसे में बच्चे कहां जाएं, भटकने को मजबूर हैं।